वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डीसी वोल्टेज सोर्स देखे थे और आज देखना है डीसी करंट सोर्स। ठीक है, देखिए डीसी वोल्टेज सोर्स तो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, जैसे बैटरी है ना, और सोलर सेल्स हैं, ये सब डीसी वोल्टेज सोर्स हैं। करंट सोर्स जनरली अवेलेबल नहीं है, बट देयर आर सम करंट सोर्स, जैसे सिंक्रोटोन है, पेंटोप ट्यूब एम्पलीफायर वगैरह कुछ है। लेकिन नेटवर्क एनालिसिस में और नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको करंट सोर्सेस काफी सामना करना पड़ेगा, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस में आपको मिलेंगे भी करंट सोर्सेस, तो वहां पर उनको किस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है, उसके बारे में किस तरह से जानना है, ये हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। देखिए वोल्टेज सोर्स क्या था, इसमें भी जैसे दो पार्ट है, एक है आइडियल और एक है प्रैक्टिकल। पहले अगर आइडियल को देखें तो जिस तरह से एक आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या था, जो कि हमेशा कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट वोल्टेज देता था किसी लोड को, मतलब उसका वोल्टेज टाइम के साथ चेंज नहीं होता था। उसी तरह से एक आइडियल करंट सोर्स जो है उसका भी करंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता, कांस्टेंट करंट आइडियल, है ना, कांस्टेंट करंट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अच्छा, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, जितने भी एम्पियर का करंट सोर्स हो, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, अब बिना वोल्टेज के कोई करंट तो हो नहीं सकता है, वोल्टेज तो जरूरी है। तो हर करंट सोर्स का अपना एक वोल्टेज भी होता है, लेकिन वोल्टेज फिक्स नहीं है ना। वोल्टेज कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि कितना लोड कनेक्टेड है। जैसे कि वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज फिक्स है, करंट फिक्स नहीं है, करंट कितना होगा वो लोड पे डिपेंड करता है कि नहीं। उसी तरह से करंट सोर्स का करंट फिक्स है, वोल्टेज फिक्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू है 5 एम्पीयर, ये 5 एम्पीयर का करंट सोर्स है, और इसको अगर हमने एक 1 ओम का सोर्स अगर इसके साथ लगा दें, तो ये करंट सोर्स इस लोड को कंटिन्यूअसली 5 एम्पीयर का सप्लाई देगा। और जब ये 5 एम्पीयर इस 1 ओम से जाएगा तो यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इक्वल टू आई इंटू आर, 5 × 1 25 वोल्ट। तो केवीएल लगाएं तो करंट सोर्स के क्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है, जिधर एरो उधर प्लस इधर ये माइनस, तो करंट सोर्स का भी अपना एक कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है। तो यहां केवीएल लगाएंगे भी करंट सोर्स का वोल्टेज तो कितना मिलेगा, वी इक्वल टू 25 वोल्ट मिलेगा। यही अगर यहां पे 2 ओम का सोर्स रहता, सॉरी 25 कर दिए, 5 वोल्ट, सॉरी 5 × 1 5 वोल्ट, सॉरी, और यहां पर अगर 2 ओम का सोर्स रहता तो क्या होता, 5 × 2 कितना 10 वोल्ट, तो यहां पर कितना होता 10 वोल्ट। मतलब क्या है कि करंट सोर्स से करंट तो कांस्टेंट है, आइडियल की बात कर रहे हैं, करंट कांस्टेंट है, लेकिन उसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा वो डिपेंड करेगा लोड पे डिपेंड करेगा। तो यानी कि अगर हम लोग एक कर्व बनाए वोल्टेज और करंट के बीच का, वोल्टेज और एक आइडियल करंट सोर्स के लिए वोल्टेज और करंट के बीच का, तो करंट तो कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज बढ़ सकता है घट सकता है डिपेंडिंग अपॉन लोड। अगर 2 ओम है तो 10 वोल्ट होगा, 1 ओम है तो 5 वोल्ट होगा, लेकिन करंट क्या है कांस्टेंट है, करंट क्या है कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो आइडियल करंट सोर्स और आर क्या है, लोड रेजिस्टेंस, है ना। आइडियल करंट सोर्स और लोड रेजिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन होगा, चाहे लोड यहां पर कैसा भी हो, 2 ओम हो, 1 ओम हो, 3 ओम हो, 5 ओम हो, सबको ये करंट कितना देगा 5 एम्पीयर। यानी कि जो यहां पे जो करंट होगा वो लोड से क्या है इंडिपेंडेंट है, लोड चाहे कुछ भी हो उसको करंट कांस्टेंट मिलेगा 5 एम्पीयर। तीनों का समझ में आ रहा है, आइडियल करंट सोर्स के लिए ये तीनों ही चीजें हैं,
टाइम के साथ उसका करंट नहीं घटता है। इसके क्रॉस करंट सोर्स के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वैरी कर सकता है, लेकिन उसका करंट कांस्टेंट रहेगा। और लोड चाहे यहां कुछ भी लगाएं, करंट क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई करंट सोर्स है इस तरह से, और ठीक है, और इससे अगर करंट निकल रहा है ना, पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, तो क्या कहेंगे? पावर को क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है। पावर को क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर दूसरा चीज, फिगर को मिटाते हैं, तो अगर जो आपका करंट सोर्स है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे अगर करंट निकल रहा है बाहर की तरफ, तो उसका मतलब ये पावर क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव टर्मिनल अगर करंट इन कर रहा है, मतलब करंट सोर्स का जो हमने पॉलरिटी देखी केवीएल वगैरह लगा के जो भी है, अगर पॉजिटिव में करंट अगर इन कर रहा है तो पावर क्या है? एब्जॉर्ब कर। ये हर किसी के लिए है ना, हमने वोल्टेज सोर्स में भी देखा था, अगर करंट यहां से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है तो एब्जॉर्ब कर रहा है, और अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इन कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब, ये डिलीवर कर रहा है, ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसी तरह से ये, लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं इस अखिल ब्रह्मांड में कोई भी आदर्श नहीं है, नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज 100%। तो उसी तरह से जो करेंट सोर्सेस हैं वो आइडियल नहीं होते, ऑल द करेंट सोर्सेस आर प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसा होता है? देखिए, प्रैक्टिकल करंट सोर्स के सिंबल में तो कोई अंतर नहीं है, सिंबल तो यही है, लेकिन अंतर क्या है वो देखिए। प्रैक्टिकल करंट सोर्स का भी सिंबल ही है, लेकिन होता क्या है कि जो देखा गया कि अगर एक 5 एम्पेयर का करंट सोर्स है और यहां पे अगर एक लोड हमने लगाया, सपोज 2 ओम का, और यहां पर अगर एम मीटर लगाया, तो हम ये पाते हैं कि यहां एक्चुअल करंट सोर्स, हम ये पाते हैं कि एम मीटर की रीडिंग कितनी होनी चाहिए। एम मीटर क्या रीड करता है? करंट को रीड करता है। एम मीटर का रीडिंग कितना होना चाहिए? 5 एम्पीयर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में एम मीटर 5 एम्पीयर नहीं रीड कर रहा है, एक्चुअली में एमीटर उससे कम 4.5 या कुछ भी, लेकिन 5 नहीं रीड कर रहा है ना। जो प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस है वो जो उनकी रेटिंग होती है ना, उतना करंट डिलीवर नहीं करते, उससे कुछ कम करते। जिस तरह से हमने डीसी वोल्टेज सोर्स में पढ़ा था कि उसका जो एक्चुअल वोल्टेज होता है वो वोल्टेज लोड को नहीं मिलता है, उससे कुछ कम मिलता है, उसी तरह से जो करंट सोर्स है उनकी जो रेटिंग है, जो वैल्यू है, वो वैल्यू लोड को नहीं मिलती है, उससे कम मिलती है। ये इनका प्रैक्टिकल में ऐसा देखा गया, करंट सोर्स ऐसे होते हैं। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? अब यहां पे 5 एम्पीयर है, यहां 4.5 एम्पीयर, तो बीच में, इसका मतलब है कि बीच में कहीं पे करंट का बंटवारा हुआ है। 5 एम्पीयर में यहां 4.5 मिला, इसका मतलब कहीं करंट और गया है। तो कहीं करंट और गया है तो क्या हम उसको ऐसे दिखाएं कि इधर 5 एम्पीयर इधर चला गया, 0.5 एम्पीयर इधर, 4.5? नहीं, ऐसा नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसे करने का मतलब है आपने यहां शॉर्ट कर दिया। और मैंने आपको कहा है कि अगर कोई रेजिस्टेंस हो, कोई भी लोड हो, और उसके जस्ट पैरेलल में अगर शॉर्ट वायर हो, तो उस लोड से करंट ना जा करके सारा का सारा करंट शॉर्ट वायर से चला जाता है, क्योंकि करंट लो रेजिस्टेंस पाथ खोजता है ना। जैसे ये है 2 ओम और ये है 0 ओम, आप भी चाहते हैं कि ऐसे रास्ते से जाएं जिसमें कम से कम भीड़भाड़ का हो, ट्रैफिक जाम कम से कम हो, ठीक है। तो उसी तरह अगर ये एक रास्ता है जिसमें कि बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इट विल गो थ्रू दिस, है ना, इससे जाएगा ही नहीं। अगर लोड के जस्ट पैरेलल में हो तब, करेंगे कई सारे न्यूमेरिकल्स पर, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे, मतलब ये जो प्रॉब्लम आई कि प्रैक्टिकल वाले में करंट का कुछ बंटवारा होता है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे दिखाएं, तो
क्या ऐसे दिखा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऐसे दिखाने का मतलब पूरा का पूरा 5 एम्पीयर इधर से जाएगा, इधर 0 जाएगा। इसका मतलब है कि इसको हमको कुछ रेजिस्टेंस से दिखाना पड़ेगा, जो कि कहलाता है आर इंटरनल। जिस तरह से वोल्टेज सोर्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, किसमें? सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में, है ना। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, उसी तरह से करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में। समझ आ गई बात? अच्छा, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? 0, क्योंकि उसमें कोई ड्रॉप नहीं होता। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 99% लोग स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ते हैं गलत करते हैं। आइडियल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस कितना होगा? आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है? यहां भी 5 एम्पीयर, तो यहां भी 5 एम्पीयर। तो स्टूडेंट कहेंगे, और ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है करंट सोर्स का, वो पैरेलल में लगता है सोर्स के साथ, पैरेलल में। तो आइडियल के साथ भी पैरेलल में ही लगेगा, लेकिन आपसे ये पूछना है कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। 99% स्टूडेंट्स बोलेंगे 0, ये सब 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि कोई करंट ही नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा, तो जो 5 एम्पीयर वो यहां चलाएगा। आइडियल में क्या है? जितना यहां उतना यहां। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 0 रेजिस्टेंस का मतलब, 0 रेजिस्टेंस का मतलब शॉर्ट वायर होता है ना। देखिए, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, ठीक है, चाहे आइडियल हो या प्रैक्टिकल हो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है कि कोई करंट इस ब्रांच में जाता ही नहीं है, 5 एम्पीयर यहां है तो 5 एम्पीयर, ये होता है ना आइडियल में, जितना यहां उतना यहां। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें होगा, आइडियल में भी होगा, लेकिन कितना होगा ताकि जितना करंट यहां हो उतना ही करंट यहां चला जाए, है ना। तो अगर आप कहते हैं 0, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो 0 का मतलब होता है भाई शॉर्ट वायर। 0 रेजिस्टेंस मतलब शॉर्ट वायर, तब तो सारा का सारा करंट इसी में चला जाएगा, समझ रहे हैं। 0 नहीं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, देखिए इसके क्रॉस भी वही वोल्टेज होगा जो इसके क्रॉस है, वही वोल्टेज होगा जो इसके क्रॉस है। अब इस ब्रांच से करंट कितना होगा? तो I इक्वल टू होता है V अपॉन R, जो इसके पैरेलल में जो भी इसका वोल्टेज होगा वो डिवाइडेड बाय R, V अपॉन R। तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो इसका करंट कितना होगा? 0। तभी इस ब्रांच से करंट कितना आएगा? 0। जो यहां है वो सारा का सारा यहां चला जाएगा। मतलब कि प्रैक्टिकल मतलब ऑल द करंट सोर्सेस, या ऐसे भी कहिए कि ऑल द वोल्टेज सोर्सेस हैव इंटरनल रेजिस्टेंस, बट आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज इंटरनल रेजिस्टेंस 0, एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट सोर्स की बात करें तो ऑल द करंट सोर्सेस हैव इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, बट आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ताकि इधर से कोई करंट ही ना जाए, सारा का सारा करंट इधर से जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो देखिए, तो मेरा ये कहना है कि आइडियल, ये टू था ना, कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, मतलब कि साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा कि भाई करंट सोर्स की ये हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि उसकी जो रेटिंग होती है उतना करंट नहीं देता है, इसका मतलब कुछ करंट रास्ते में लीक हो रहा है, तो उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर इंटरनल। अब अगर मान लीजिए यहां से 5 एम्पीयर जा रहा है और आपको बताया गया कि यहां से 4.5 एम्पीयर जा रहा है, तो क्या आप ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां से 5 एम्पीयर गया और यहां 4.5 एम्पीयर गया, तो यहां कितना गया होगा? 0.5 एम्पीयर, सही है ना, ठीक है। अब ये तीनों पैरेलल में है,
जितना वोल्टेज इसके क्रॉस उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस। अब इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, 4.5 गुना 2, क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो 4.5 गुना 2 कितना होगा, 9 इक्वल टू इसका वोल्टेज कितना होगा 0.5 अपॉन आर इंटरनल, तो आर इंटरनल कितना होगा 9/0.5 18 ओम, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 18 ओम। देखिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू, मतलब एक सोर्स के लिए वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो जैसे 5 एम्पीयर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया 18 ओम फिक्स है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब हमने यहां देखिए एक चीज तो हम यहां से देख रहे हैं कि अच्छा इसको हम देखेंगे अभी, रुक जाइए थोड़ा, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जब यहां पे 2 ओम है, जब ये 2 ओम है तो करंट कितना है 4.5 एम्पीयर और यहां का वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि अब हम इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, सपोज इसको बढ़ा करके हम कर दिए 5 ओम, ठीक है 5 ओम। हम ये देखना चाह रहे हैं, जैसे यहां देखें यहां पर क्या था, ये रिलेशन क्या बता रहा है कि लोड चाहे कुछ भी हो, लोड रेजिस्टेंस, लोड चाहे कुछ भी हो, करंट कांस्टेंट होता है किसके लिए, आइडियल के लिए। क्या ये प्रैक्टिकल के लिए भी वैलिड है, हम ये देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, क्या ये प्रैक्टिकल के लिए भी वैलिड है। तो हमने दो के लिए देखा कि 2 ओम के लिए 4.5 एम्पीयर होता है, 9 वोल्ट होता है। अब हम उसको चेंज कर रहे हैं, हम यहां 5 ओम ले रहे हैं, ठीक है। 5 ओम लेकर के हम देखना चाह रहे हैं कि क्या होता है। अब देखिए यहां से तो 5 एम्पीयर जाएगा, लेकिन इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं करंट डिवीजन रूल, लेकिन उसको जब वहां पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना तो पता है कि चाहे इसमें जो भी करंट जाए, इसमें जो भी करंट जाए, ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है आई, तो इसमें कितना करंट जाएगा 5 - I, 5 एम्पीयर यहां पर है आई इसमें, इसमें कितना जाएगा 5 - I। अब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इसके क्रॉस 18 I और इसके क्रॉस कितना होगा 5 × 5 - I, तो क्या हो गया, I निकलेगा यहां से 18 I = 25 - 5 I, तो इसको इधर ले आए तो 23 I = 25, तो therefore I = 25/23। Let me bring calculator fast। तो अगर आपने किया होगा, सॉरी अगर आपने इसको कैलकुलेशन किया होगा, तो I की वैल्यू आ रही है 1.086 जो इस ब्रांच में, और इस ब्रांच में कितना 5 - I, तो IL हम इसको लिख रहे हैं, इस ब्रांच का जो करंट है उसको लिख रहे हैं IL, तो ये कितना होगा 5 - 1.086 जो कि होगा 3.914। तो यहां पर इसको लिख दिए 2 ओम के लिए इससे कितना करंट था 4.5 एम्पीयर और 5 ओम के लिए इससे कितना करंट हुआ 3.914। मतलब जब हम रेजिस्टेंस को, लोड रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं 2 से 5 किए हैं, तो इसको जो करंट मिल रहा था वो करंट घटा है ना। मतलब ये तो था आइडियल के लिए, चाहे जो भी लोड हो उसको करंट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हम यहां से क्या देख रहे हैं कि जब हम लोड रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं 2 से 5 किए तो क्या हुआ, करंट की वैल्यू घट गई, है कि नहीं। यानी कि जो एक्चुअल जो कर्व होगा इसमें वो ऐसा नहीं होगा, जैसे जैसे लोड रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू घटेगी, एक्चुअल कुछ इस तरह से जाएगा, सही है। तो जैसे जैसे लोड रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू घटेगी। तो ये तो है आइडियल का और ये है किसका, प्रैक्टिकल का, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, जब करंट है 4.5 एम्पीयर तो वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट, और जब करंट है 3.914 एम्पीयर तो वोल्टेज कितना है 19.57 वोल्ट। मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है करंट घट रहा है, लोड के क्रॉस मतलब या करंट सोर्स पैरेलल में है ना, तो करंट सोर्स के क्रॉस मतलब लोड, अगर हम वोल्टेज और करंट मतलब लोड करंट की बात कर रहे हैं,
अगर लोड करंट घट रहा है तो ये वोल्टेज अक्रॉस जो लोड है वो बढ़ रहा है, देख रहे ना आप, 2 ओम था तो 4.5 एम्पीयर 9 वोल्ट, 5 ओम है तो 3.9 वोल्ट 4 एम्पीयर 19.57 वोल्ट। तो अब टाइम आ गया है कि हम इसको भी समझें, है ना, इसको भी समझें। ये क्या था, ये तो आइडियल का था कि करंट वोल्टेज बढ़ता रहे घटता रहे करंट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहां पे करंट कांस्टेंट नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज जब बढ़ रहा है, जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है, मतलब ये कर्व कुछ इस तरह से जाएगा, है ना। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए ये 9 वोल्ट है, सपोज दिस इज 9 वोल्ट, इस पे वोल्टेज कितना है, सॉरी इस वोल्टेज पे करंट कितना है, ये है करंट कितना है भाई 4.5 एम्पीयर, और जब वोल्टेज हो गया इतना 19.57 तो उस पे करंट कितना है 3.91। समझ बात। तो ये जो था वोल्टेज और करंट के बीच का, ये था आइडियल के लिए, और ये किसके लिए है, प्रैक्टिकल के लिए। These all are important for competition point of view, especially for SSC, JEE and Railways. Railway में तो इससे भी आसान होता है, but SSC, JEE वगैरह के type का ये सारा। तो ideal का कुछ इस तरह का curve बनेगा और practical का कुछ इस तरह का बनेगा, I और R के बीच में, RL के बीच में, और voltage across load या current source और current through load के बीच का curve कुछ ऐसा बनेगा। और करंट और टाइम के बीच का तो हर सोर्स का होता है कि टाइम के साथ घटता है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपको जानना कि करंट सोर्स में सिर्फ आप ये मत जानिए कि करंट सोर्स कांस्टेंट करंट देता है, कांस्टेंट तो आइडियल देता है, है ना, लेकिन प्रैक्टिकल जो करंट सोर्सेस हैं उनका लोड बढ़ने पर करंट घटता है, मतलब तो लोड के थ्रू जो करंट है ना, आई एल, लोड के थ्रू जो करंट है वो घटता है, और वोल्टेज भी, वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट भी इस तरह से घटेगा। तो ये आपको जानना इंपॉर्टेंट था करंट सोर्स के लिए, बाकी इसमें और सब चीजें आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस। देखिए इससे पहले कि इसको स्टार्ट करें, एक छोटा सा मिस्टेक जो लास्ट स्लाइड में हो गया, IL और RL के बीच का जो कर्व है वो हम आपको ऐसा कुछ बना दिए, आइडियल का तो ऐसा होता है, आपको हम कुछ इस तरह का ऐसा बना दिए। एक्चुअली ये लीनियरली नहीं घटता है, इसको हम लोग देखेंगे आगे, ये घटता है एक्सपोनेंशियली, है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसके डिक्रीज तो होता ही है, लेकिन डिक्रीज होने का जो रेट है वो लीनियरली नहीं है, एक्सपोनेंशियली, ये नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस को। देखिए अभी तक हमने जितना भी सोर्स पढ़ा, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वो सब इंडिपेंडेंट है, उनको सर्किट से कोई लेना देना नहीं। जैसे करंट सोर्स देखें, वो 5 एम्पीयर दे रहा है, लेकिन लोड को कितना मिल रहा है वो तो इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, हालांकि वो तो अपना दे रहा है, उसको लोड से कोई मतलब नहीं, वो दे रहा है अपना 5 एम्पीयर, वो दे रहा है, लोड को कितना मिल रहा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है प्रॉब्लम। उसी तरह से जो वोल्टेज सोर्स है वो भी सर्किट से इंडिपेंडेंट है, वो अपना वोल्टेज दे रहा है, लोड को कितना वोल्टेज मिल रहा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण है, और लोड के भी कारण है कि लोड की वैल्यू क्या है। जैसे हमने देखा कि अगर हम लोग लोड रेजिस्टेंस बढ़ाए तो करंट उसको कम मिलेगा, लेकिन करंट सोर्स तो उतना दे ही रहा है, करंट लोड को कम मिलेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्यादा मिलेगा, लेकिन करंट सोर्स तो उतना दे ही रहा है। तो इन सोर्सेस को कहते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस, जिनको सर्किट के किसी पैरामीटर से कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ सोर्सेस, एक्चुअली सोर्सेस कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, है ना, आप लोग पढ़िएगा आगे, ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, BJT तो इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप, और MOSFET अगले सेमेस्टर में पढ़िएगा, पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस उसके अगले सेमेस्टर में। तो ये एक्चुअली डिवाइसेस हैं जो कि वो एक सोर्स के रूप में काम करते हैं, है डिवाइसेस लेकिन सर्किट में एक सोर्स के रूप में काम करते हैं, वो एक सोर्स के रूप में है, जिस तरह से बैटरी एक सोर्स है उसी तरह से ये भी एक सोर्स है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है ना, ये सर्किट के ही किसी पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंट सोर्स मतलब है सोर्स, वोल्टेज सोर्स होगा या करंट सोर्स होगा,
हमने जब क्लासिफिकेशन किया था सोर्सेस का, तो उसमें डिपेंडेंट सोर्स के चार टाइप बताए थे आपको, और जिसमें कि करेंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों था। तो ये जो डिपेंडेंट सोर्सेस हैं, ये वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, करेंट सोर्स भी हो सकते हैं, बट दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? डिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो सर्किट के ही किसी दूसरे पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे। जैसे कि पहला एग्जांपल है आपका वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसमें आप बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखिए, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब है तो ये वोल्टेज सोर्स, इट इज वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स है ना, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है? वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे। जैसे देखिए, अच्छा एक और बात मैंने वहां पे बताया था आपको, डिपेंडेंट सोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं डायमंड स्ट्रक्चर, और ये है वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऐसे, प्लस माइनस, करेक्ट ना? तो ये हो गया वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये सिंबल है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का। लेकिन अगर ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो यहां देखिए सर्किट है, ये सर्किट है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, मतलब यहां पर एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है V1, बैटरी, यहां पर एक रेजिस्टेंस है R1, इससे करंट I1 है, यहां पर एक दूसरा बैटरी है जिसका वोल्टेज V2 है, ये भी इंडिपेंडेंट सोर्स है, और ये R2 रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आ रहा है I3, और ये जो है ये क्या है? एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। लेकिन इसके बगल में क्या लिखा हुआ है उससे पता चलेगा कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है कि करंट डिपेंडेंट सोर्स है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्फा V1, अल्फा कांस्टेंट है, 2V1 हो सकता है, 3V1 हो सकता है, 4V1 हो सकता है, इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी है? अल्फा V1 है, मतलब इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? V1 पे डिपेंड कर रही है। अगर यहां पर हम 5 वोल्ट का सोर्स लगाएं और अल्फा की वैल्यू अगर 1 है, अगर ये 5 वोल्ट है और अल्फा अगर 1 है, तो ये भी कितना होगा? 1 × 5, 5 वोल्ट। अगर ये 10 वोल्ट है, अल्फा अगर 0.5 है, तो यहां का वोल्टेज कितना होगा? 0.5 × 10, 5 वोल्ट। बात समझ आई? तो ये एक डिपेंडेंट सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, और किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? तो यहां से इस डिपेंडेंट सोर्स का जो आउटपुट वोल्टेज होगा, जो डिपेंडेंट सोर्स का आउटपुट वोल्टेज होगा, ये जो आउटपुट वोल्टेज देगा वो किसके बराबर होगा? अल्फा V1 के बराबर, वे अल्फा इज ए कांस्टेंट, ठीक है? तो अल्फा को क्या कह सकते हैं? वी आउटपुट बाय V1। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अल्फा 0.5 है और V1 की वैल्यू 10 है, तो वी आउटपुट, ये सोर्स कितना आउटपुट वोल्टेज देगा? अल्फा V1, मतलब 0.5 × 10, मतलब 5 वोल्ट। बात सुन रहे ना? अल्फा इक्वल टू वी आउटपुट बाय V1, कोई यूनिट नहीं, इसका भी वोल्टेज, इसका भी वोल्टेज कट जाएगा। और इस केस में अल्फा को कहते हैं, अल्फा इज कॉल्ड एज वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल है आपका वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का, ठीक है? समझ आ गई बात? अच्छा, प्रैक्टिकली हम आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की, प्रैक्टिकली एक वोल्टेज डिपेंडेंट, एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का जो एग्जांपल है वो है ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आप जब पढ़ेंगे तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि ये किस तरह से एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। बट इट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। बात समझ आ गई? आइए सेकंड देखते हैं, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। आप ये समझ में आ रहा है आपको कि वोल्टेज कैसे, किसी को आपको दिया नहीं लगा कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, आपको देख करके पहचानना होगा। तो डायमंड देख करके पहचान जाएंगे डिपेंडेंट है, उसके अंदर जो सिंबल है वो देख करके पहचान जाए कि वोल्टेज सोर्स है कि करंट सोर्स है, प्लस माइनस है तो वोल्टेज सोर्स है, ठीक है? मतलब ये डिपेंडेंट सोर्स, मतलब ये वोल्टेज सोर्स है डिपेंडेंट। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? तो बगल में जो लिखा होगा उससे आप समझ जाएंगे। जैसे अल्फा V1 है तो ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा आपको और V1 का वैल्यू दिया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से आपको इसकी वैल्यू निकल जाएगी, और उसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। वोल्टेज सोर्स है, इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। जैसे यहां पर 5 वोल्ट,
समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, देखिए एक बार फिर समझिए, है ये वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट, कोई डायमंड हो गया, वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस हो गया, लेकिन इसके वोल्टेज की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है, आई वन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों इसमें कंफ्यूजन ये होता है, आप ये सोचिए ये है तो वोल्टेज सोर्स ना, सपोज कि आई वन की वैल्यू है 2 एम्पीयर, ठीक है ना, और अल्फा की वैल्यू है 1, तो इस वोल्ट अल्फा की वैल्यू 1 है, आई वन की वैल्यू 2 एम्पीयर है, तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू आई वन, 1 इंटू 2 एम्पीयर, और इसका यूनिट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों इसमें गलती करते हैं, वो इसकी यूनिट एम्पेयर लिखते हैं, भाई आउटपुट वोल्टेज का यूनिट एम्पेयर कैसे होगा, वो ये देखते हैं कि आई वन है 2 एम्पेयर, अल्फा है कांस्टेंट, तो यूनिट होना चाहिए एम्पेयर, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ आई वन सिर्फ उसकी वैल्यू को लेना है हमको ना, आई वन की वैल्यू को सिर्फ लेना है, ठीक है, कितना 2, लेकिन है ये वोल्टेज सोर्स तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट, 2 वोल्ट, समझ आ रही है। इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, कई बार मैंने देखा है कि यहां I1 है तो या तो ये समझ लेंगे कि इससे करंट, या तो ये समझ लेंगे, ये भी समझते हैं लोग, या तो ये समझ लेंगे कि I2 की जो वैल्यू है ये अल्फा I1 है, भाई I2 की वैल्यू कैसे हो सकती है, ये तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है, जैसे वोल्टेज सोर्स का कुछ वोल्टेज तो होता है ना, तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी है, अल्फा आई वन, अल्फा कांस्टेंट है और आई वन इस ब्रांच का करंट है, बस उसके मैग्नीट्यूड को लो, नॉट टेक द यूनिट, ओके, क्योंकि आपको ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो अल्फा अगर 1 है, आई वन अगर 2 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 वोल्ट, क्योंकि ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये सर्किट के करंट पे डिपेंड कर रहा है, कहीं कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है ये वोल्टेज सोर्स तो ये हमको वोल्टेज ही देगा, वी आउटपुट, तो वी आउटपुट ये रॉन्ग गलत है ना, ये नहीं, तो वी आउटपुट इक्वल टू ये जो सोर्स हमको वोल्टेज देगा ये होगा अल्फा इंटू आई वन वोल्ट। इस वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा इंटू आई, पहचान जाएगा आपकी करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट तो है डायमंड से, प्लस माइनस है तो वोल्टेज, बगल में अल्फा आई वन लिखा हुआ है मतलब करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, अल्फा आई वन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले नोडल में सब में इसका यूज है, ओके। यहां पर जो अल्फा है इसको क्या कहते हैं, अल्फा क्या हो जाएगा, वी आउटपुट बाय आई वन, और इसका यूनिट कुछ होगा क्या, होगा, क्योंकि वी बाय आई यूनिटलेस नहीं होता है, वी बाय आई क्या होता है, ओम होता है ना, तो अल्फा को कहते हैं ट्रांस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये जो है इस वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के जैसा लग रहा है, कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस के जैसा लग रहा है, इसलिए नाम है ट्रांस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सिंबल वगैरह यही है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पर, वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसी दो यही दो टाइप के हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब आते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स पर। जब हम लोग बात करते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स की, उसके भी दो टाइप हैं। एक अगर हम अच्छा एक चीज आपको भूल गया बताना, सॉरी, अभी था करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसका जो एग्जांपल है जो आप लोग हाल फिलहाल में पढ़िएगा अभी, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट करता है ना, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की तरह होता है आपका एक बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, कैसे, यू विल रीड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड हम लोग को देखना है वो है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स।
वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। देखिए तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स में अंतर क्या होगा, VDCS सिंबल डिपेंडेंट का डायमंड रहेगा, लेकिन चूंकि करंट है इसलिए सिंबल क्या हो जाएगा, और किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पर। तो यहां पर V1 या V2 कुछ भी हो सकता है, हम यहां V1 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये सिंबल किसका है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स का। एक बार फिर हम इस बात पे आपको बार बार जोर देंगे कि ये अल्फा V1 क्या है, इस करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड है। ये मत समझेगा कि ये इस करंट सोर्स का वोल्टेज है, नहीं, ये करंट सोर्स है, इस करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, अल्फा V1। यानी इसका अगर इक्वेशन लिखें तो I आउटपुट लिखेंगे, I आउटपुट मतलब I2 जो है ना वो यही है, I2 कितना है, अल्फा V1 है, I2 कितना है, अल्फा V1 है, क्योंकि यही करंट निकला, यही तो जा रहा है। तो I आउटपुट इक्वल टू अल्फा V1 एम्पेयर, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर V1 की वैल्यू 5 वोल्ट है और अल्फा की वैल्यू 1 है, तो कितना करंट इससे निकलेगा, इससे कितना करंट निकलेगा, 1 × 5 = 5 एम्पेयर। तो ये करंट सोर्स है और अल्फा भी वन इसके करंट को बताता है। यहां पर हम आपको एक और बात बताएंगे जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि देखिए करंट सोर्स, स्टूडेंट गलती करते हैं, करंट सोर्स चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो, उसके अक्रॉस वोल्टेज लेना मत भूलिए, क्योंकि उसके क्रॉस वोल्टेज लेना भूलिएगा और तब अगर केसीएल केवल लगाइएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। चाहे एक डिपेंडेंट करंट सोर्स हो चाहे एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो, उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर होगा, जैसे कि इसके क्रॉस भी कुछ वोल्टेज होगा, हमको नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा हमको VDS, वो निकालना या VCS लिखते हैं करंट सोर्स, वो निकालना पड़ेगा हमको केसीएल केवल लगाकर, चाहे कुछ भी करके निकालना पड़े, दैट इज नॉट, वो हमारा टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको करंट सोर्स दिखे उसके क्रॉस एक वोल्टेज की मार्किंग होनी चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि करंट सोर्स है तो इसके क्रॉस वोल्टेज जरूर होगा, कोई भी करंट सोर्स बिना वोल्टेज के नहीं होता, ठीक है। तो करंट सोर्स है तो उसके क्रॉस वोल्टेज जरूर होगा, लेकिन अल्फा भी वन जो है, अल्फा भी वन VCS नहीं है, अल्फा भी वन क्या है, अल्फा भी वन इस करंट की वैल्यू है। इसमें स्टूडेंट होते हैं कि ये जो हम बोल देते हैं कि करंट सोर्स के क्रॉस कुछ वोल्टेज होना चाहिए, तो वो सोचते हैं ये वोल्टेज और सोचते हैं अच्छा यहां भी अल्फा भी वन है, मतलब VCS अल्फा भी वन के बराबर है, नहीं भाई, ये इसके साथ जो लिखा हुआ है ना अल्फा भी वन या टू भी वन या थ्री भी वन, वो इसके करंट की वैल्यू है, इसके वोल्टेज की वैल्यू तो आपको केसीएल केवीएल से निकालना पड़ेगा या जो भी तरीका हो। तो यहां बात यह है कि आई की एक तो बात यह है कि करंट सोर्स के क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर होगा और इस करंट सोर्स के करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी अल्फा भी वन, ठीक है। तो आई आउटपुट इक्वल टू अल्फा भी वन, अल्फा इक्वल टू आई आउटपुट बाई भी वन, और इसका यूनिट क्या होगा, महो है ना, और इसको क्या कहते हैं, अल्फा इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस का उल्टा है, और रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, उसको कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस के जैसे ट्रांस कंडक्टेंस। और इसका एग्जांपल आप पढ़िएगा आई थिंक फोर्थ सेम में, मॉस्फेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एफईटी ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो कैसे इस तरह से वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, बट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या है आप समझिए। चौथी जो कैटेगरी लास्ट कैटेगरी होती है वो है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, हो गया वो है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, CDCS, ठीक है। तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स कैसा होगा आप खुद सोचिए, करंट सोर्स है तो सिंबल यही होगा और अल्फा और
किसी करंट पे डिपेंड करेगा, इट मे बी आई वन मे बी आई टू, आई टू तो खैर यही है, तो ये आई वन मान लीजिए, है ना। तो ये अल्फा आई वन क्या बता रहा है, इस करंट सोर्स का, इस करंट सोर्स के करंट की वैल्यू बता रहा है, क्योंकि करंट सोर्स है, अल्फा आई वन इसके करंट की वैल्यू बताएगा। लेकिन इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज भी होगा जिसको अगर निकालने की जरूरत होगी तो हम लोग उसको केसीएल केवीएल से निकालेंगे। VCS अल्फा आई वन नहीं है, अल्फा आई वन क्या है, इस करंट सोर्स का करंट की वैल्यू, यानी आई टू की वैल्यू कितनी है, अल्फा आई वन। इतना मेहनत किए इसको बताने में, इसमें गलती नहीं करना है कि करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज जरूर लीजिए और करंट सोर्स के करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, अल्फा आई वन है, ये इसका वोल्टेज नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई आउटपुट इक्वल टू अल्फा आई वन, अल्फा क्या हो जाएगा, आई आउटपुट इक्वल टू आई वन, क्या इसका कोई यूनिट होगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि एम्पियर एम्पियर कट जाएगा। और इस केस में अल्फा को क्या कहेंगे, करंट गेन, ठीक है। और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स जो है वो होता है पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस व्हिच यू विल स्टडी इन 6th सेमेस्टर, ओके। तो मैंने आपको सभी सोर्सेस के बारे में बताया, एसी सोर्सेस छोड़ के, तो हमने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स देखा, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स देखा, और डिपेंडेंट सोर्स में हमने चारों टाइप के सोर्सेस को देख लिया। तो सोर्सेस की कहानी अब खत्म है, अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चलेंगे, नेटवर्क के क्वेश्चंस पे चलेंगे, जिसमें हम लोग अब अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे नेटवर्क का केसीएल केवीएल एनालिसिस जो है, ठीक है, और उसके बाद फिर नोडल एनालिसिस मेस एनालिसिस। नोडल और मेस करने के बाद हम आपके इस नेटवर्क के टॉपिक को एंड करेंगे और उसके बाद पावर जनरेशन स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से पावर जनरेशन स्टार्ट कर दें, और वो थोड़ी पेपर है जल्दी जल्दी निकलेगा, और फिर जब दूसरी बार आएंगे नेटवर्क पर तो एसी एनालिसिस थ्योरम और एसी एनालिसिस और जो भी छोटा बड़ा है रेजोनेंस वगैरह वो सब करके इसको खत्म करेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो इसको देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और अगले क्लास में मिलते हैं, तो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर।